नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। अधिकारियों की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह यहाँ पहुंचने के बाद दोपहर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और स्टेशन के परिसर में स्थित चाय की दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ों का वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर जिले के कलौल तालुका के पंसर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान वो वहां मौजूदा लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। बता दें कि अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मन से वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंसार में एक झील के सुंदरीकरण सहित कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर सकते हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि अपने क्षेत्र की जनता के हितों का ध्यान रखते हुए कई नई परियोजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा शाम को बीजेपी नेता अमित शाह गांधीनगर जिले में अपने पैतृक शहर मंदसा पहुंचेंगे और सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह शहर के बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। नवरात्र के दौरान कई सालों से यहाँ ये लगातार परंपरा निभा रहे हैं। तो आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ कई कार्यक्रम हैं उनके, कई उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री स्वास्थ्य लाभ महिलाओं को भी लाभ दे सकते हैं और साथ ही साथ जो गांधीनगर की जनता है उनको संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हर साल नवरात्र के मौके पर अपने पैतृक गाँव पहुँचते हैं और यहाँ पर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के केस के चार दिन बाद पुलिस ने पहली कार्रवाई की। पुलिस ने गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने आशीष से सुबह 10 बजे सबूतों के साथ आने को कहा। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा के करीबी लवकुश और आशीष पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले पुलिस ने कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस लगाया था। नोटिस में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, वस्तु लिखित मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं कल लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा था कि दो लोगों से पूछताछ की जा रही है। तीन लोगों की भूमिका की पहचान हुई है, हालांकि इन तीनों की मौत घटना में हो चुकी है। पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी आई है कि घटना के समय थार गाड़ी हरिओम चला रहा था, उसके बगल में सुमित जयसवाल बैठा था जिसने किसानों के खिलाफ केस किया है। पीछे श्याम सुंदर लवकुश और आशीष पांडे बैठा था। श्याम सुंदर की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी दोनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। यानी इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी तो हुई है। इतने दिनों से पुलिस लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की बात कह रही थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। आरोपी कोई बना नहीं गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सख्त तलखी में कहा तो उसके बाद फिर यूपी पुलिस हरकत में आई है। दो गिरफ्तारियां की हैं, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि अजय मिश्रा के बेटे जहाँ भी हैं वो आज 10 बजे पहुँचे, मौखिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी साक्ष्य हैं उनके पास वो वहां पर जमा कराएं और अपना बयान दर्ज कराएं। तो पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर कल नोटिस लगाया था। दो लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, यूपी पुलिस द्वारा ये बात कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहने वाली है। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कल कोर्ट ने मामले पे यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग की थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है, अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने कहा कि परसों उन्हें दो वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी, उसी पर यह संज्ञान लिया गया है।
चिट्ठी लिखने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों को जिस तरह से कुचला गया ये चिंताजनक है। ये प्रशासन की लापरवाही को दिखाता है। मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मिली जानकारी के मुताबिक FIR दर्ज हो चुकी है। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने जजों को बताया कि मामले में विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया, साथ ही एक न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। यूपी के वकील ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार कल स्टेटस रिपोर्ट देगी, यानी कि आज इस रिपोर्ट में यह बताया जाए कि किन किन लोगों की मृत्यु हुई है, अब तक जांच में क्या प्रगति हुई है, हाईकोर्ट में इस विषय में दाखिल याचिकाओं पर क्या हुआ। इस निर्देश के साथ बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के अंत में चीफ जस्टिस ने एक वकील की तरफ से रजिस्ट्री को भेजे गए संदेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि मृतक लवप्रीत सिंह की मां गंभीर रूप से बीमार है। हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वो उनका सही इलाज करवाए। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकता है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि स्टेटस क्या है सरकार इस पूरे मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब देगी अब तक क्या क्या हुआ, किन किन लोगों की जान गई है, किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं और जो आरोपी हैं क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है, क्या उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, क्या नोटिस चस्पा किया है, ऐसी तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकता है। दरअसल कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में आई और 2 गिरफ्तारियां की हैं और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आशीष मिश्रा को भी समन भेजा गया है। इसके अलावा आज भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। किन किन लोगों की जान गई है, इस पूरे मामले में अब तक आपने क्या कार्रवाई की सरकार से, ऐसे तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ सकता है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीजेपी को दिनों से लगातार अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने उन पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी नेता वरुण गांधी किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं तो उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए। पार्टी नेता अलका लांबा ने यह भी कहा है कि अगर वरुण गांधी को लगता है कि उन्हें अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद दिया जाएगा तो वो गलत है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं वरुण गांधी को सुझाव दूंगी कि अगर उनमें थोड़ी भी स्वाभिमान बचा है और अगर वो लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं तो उन्हें ट्विटर पर लड़ाई लड़ने की बजाय बीजेपी छोड़कर सड़कों पर उतरना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कैबिनेट के अगले विस्तार में उन्हें शामिल किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो गलत है, उन्हें अभी फैसला करना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या वो बीजेपी के नेता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, तो लांबा ने कहा मैं उन्हें कोई निमंत्रण नहीं देने वाली हूं, ये वरुण गांधी का फैसला होगा। बता दें कि बीजेपी के नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी माता पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में जोरों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी क्या अपने परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं, क्या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, से तमाम कयास। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से किसानों को लेकर वरुण गांधी सरकार पर हमलावर हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर पर लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को वो पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर लगातार उनकी आवाज बुलंद है और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी लगातार वो बोलते चले जा रहे हैं। ट्विटर पर एक के बाद एक इनका ट्वीट देखा जा सकता है, जिस पर अब कांग्रेस ने निशाना साध दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतनी ही चिंता है किसानों की वरुण गांधी को तो उन्हें बीजेपी से बाहर आकर सड़कों पर उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि ट्वीट करके पूरे माहौल को और ज्यादा खराब करने की जरूरत है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही वरुण गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि जो वीडियो है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल वरुण गांधी ने गुरुवार को ट्वीट किया और वो ट्वीट हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। कथित तौर पर लखीमपुर खीरी की घटना का एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें एक बीजेपी नेता के काफिले की एक SUV प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए दिखाई देती है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद ने कहा वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रदर्शनकारियों को हत्या के माध्यम से चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों की हत्या के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। अहंकार और क्रूरता का संदेश हर किसान के जहन में आने से पहले न्याय दिया जाना चाहिए। ये ट्वीट वरुण गांधी ने किया, जिस पर अब कांग्रेस उन्हें लगातार आड़े हाथों ले रही है।
वहीं देश में महंगाई चरम पर है। आम जनता पर लगातार इसका भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा ही हो रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इस इजाफे के बाद कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.54 रुपए और डीजल की कीमत 92.12 रुपए की हो गई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई लगातार आम जनता को देखनी पड़ रही है। आप बता दें कि पिछले मंगलवार से पेट्रोल की कीमतों पर इजाफा होना शुरू हुआ था। इस बीच हफ्ते में 2 दिन बीते बुधवार और इस सोमवार को सिर्फ दाम स्थिर थे। इसके अलावा हर दिन कीमतों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2.35 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल में 3.50 रुपए तक महंगा हो गया है। तो आपके शहर में 1 लीटर का क्या क्या भाव है वो भी लगातार आपको पता है और किस तरह से, जैसे कि हम भी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो छोटे शहर हैं उनमें भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल की मांग और प्रोडक्शन का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिलता है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $0.45 की बढ़त के साथ $82.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके अलावा WTI क्रूड भी $0.57 बढ़कर $78.87 प्रति बैरल पर पहुंच गया है और इसी का नतीजा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार भारत में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में के बाद एक आतंकवादी घटनाएं सामने आ रही हैं और कल ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है, लेकिन देश इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2 दिनों के भीतर 5 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद घाटी में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई और बैठकें करके आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच लगातार कश्मीर घाटी में नागरिकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्या किए जाने के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को 3 महीने से पहले ही मजबूत इनपुट मिले थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का रोल भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट थे कि आतंकवादी 3 समूहों को निशाना बना रहे हैं। ये समूह थे बीजेपी, अपनी पार्टी के नेता, अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित और सिख और सरकार समर्थक आवाजें, जिन्हें आतंकवादी सहयोगी कहते हैं। सुरक्षा ग्रिड के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हर किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। आतंकवादी आसान लक्ष्य चुन रहे हैं, उनके जो लक्ष्य आसान है उसको चुनकर निशाना बना रहे हैं, लेकिन अंततः ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आतंकवादियों को दूर रखने के लिए जवाबी हमले करने ही होंगे। कश्मीर घाटी में हुई आतंकी वारदातों को लेकर अधिकारियों ने आगे कहा है कि आतंकवादी पैटर्न के आधार पर लोगों को निशाना बना रहे हैं और स्थिति अचानक गंभीर दिख रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही आतंकियों ने कश्मीर घाटी में रह रहे लोगों को आतंकित कर कश्मीरी पंडितों की वापसी को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने घाटी में सामान्य स्थिति की धारणा को दूर करने के लिए नया कश्मीर के आइडिया को टारगेट किया है। जिस तरह से कल तस्वीर सामने आई थी, एक सिख और हिंदू परिवार के एक शख्स को आतंकियों ने टारगेट करके मारा था। जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वहां पर स्कूल में तमाम टीचर्स थे, लेकिन जो उनके समुदाय के थे उन्हें हटा दिया गया। बाकी जो सिख और हिंदू थे उन्हें टारगेट करके गोली मारी गई। दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश के लिए कुख्यात पाकिस्तान का घाटी में हमलों में भी अहम रोल है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी समूह जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए हाइब्रिड आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों ने भी बताया कि आतंकवादी ज्यादातर सामान्य नौकरियों में लगे हुए हैं और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर टारगेट हत्याओं के लिए आतंकवादी समूह द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल कश्मीर में कम से कम 25 नागरिक मारे गए हैं। इन 25 में से 3 गैर स्थानीय थे, 2 कश्मीरी पंडित थे और 18 मुसलमान थे। सबसे ज्यादा हमले श्रीनगर में हुए, जहां पर 10 ऐसी घटनाएं हुई। इसके बाद पुलवामा और अनंतनाग में 4-4 घटनाएं हुई। इनपुट से पता चला है कि अल्पसंख्यक दहशत की स्थिति में है और कुल 50 से 60 गैर प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों के अगले 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर से जम्मू जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर परिवारों के पास जम्मू में आवास है, लेकिन वो यहां से जा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि वो अपने आप को यहां पर सुरक्षित नहीं मानते।
वहीं गाजीपुर में तैनात विद्युत अवर अभियंता हरिकेश ने सदर कोतवाली मायाहा शाह से बीजेपी विधायक विकास गुप्ता के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने विधायक विकास गुप्ता पर गाली गलौज कर नाजायज कार्य करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विधायक की गाली गलौज का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में विधायक अवर अभियंता से गाली गलौज करता हुआ सुनाई दे रहा है। जब 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 तुमको 3-4 बार कह चुके तो अभी वहाँ पर भूल गए सोफर में। नहीं तो हम कैसे रिपोर्ट लगा दे, आप समझते नहीं है उनको। हाँ क्या मैं लिख दूँ? नहीं ABCD में क्या लिख दूँ? नहीं तुमने सुबह क्या कहा था कि मैं जाके फोन कर रहा हूँ? तुम जूते के भूखे हो हमको लगता है। अभी संतोष श्रीवास्तव की हल किया, अभी वो रो रहा है विजिलेंस वाले। और तुम्हारा लग रहा है पड़ जाएंगे इधर से फोन कराओगे, इधर से फोन कराओगे। जब कह रहे हैं कि पांचवी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो। अभी वहाँ गए तो लोहारन गढ़वा में सब शिकायत कर रहे थे। तो लोहारन गढ़वा में क्या दिक्कत थी? लोहारन गढ़वा में हमने क्या वहाँ किया कि आपकी शिकायत हो गई? अब आप 50-50 रुपया तुम्हारा लाइट वसूल रहा है। कहाँ का वसूल रहा है? एक हफ्ते से लाइट तुमको बुलाए तो तुम आए क्यों नहीं? तुमको आज सुबह भी बुलाए थे, तुमको कल तुम आओ। चलो मोड़ो गाजीपुर चलो। तुम कहाँ पर हो? गाजीपुर चलो, इसको जुतियां चल के गाजीपुर में उधर से ले गाजीपुर। तुम कहाँ पर हो इस समय? हर केस फतेहपुर में है, डिवीजन में। तो डिवीजन में चलो आओ, बंगले पहुंच रहे। हम गाजीपुर में होते तो हम वहीं आते। तुमको तो बुलाने से तुम आ नहीं रहे हो ना क्या? अरे दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो जनता को। वही बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में जहरीला चारा खाने से 3 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मंडावली क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर का है, जहां पर विकास कुमार नामक ग्रामीण अपने पशुओं के लिए भागुवाड़ा से कुट्टी मशीन से चारा लेकर आया था। विकास ने बताया कि उसने चारा लाकर अपने पशुओं के आगे डाला और जैसे ही पशु ने चारा खाना शुरू किया, कुछ ही मिनट बाद 3 पशु जमीन पर गिर कर तड़पने लगे और उनके मुंह से खून आने लगा और देखते ही देखते तीनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस और पशु विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल चारे की जाँच रिपोर्ट और पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पशुओं की मौत का असली कारण पता चल पाएगा। यो मेरा छोटा भाई के डंगर खत्म हो गए, 2 गाय और एक वो आधा घंटा पहले कुट्टी लेकर आया था। डॉक्टर में बोतल लगा रहा था और उसके बाद इंजेक्शन भी लगे और आधे घंटे में तीनों डंगर खत्म हो गए। थोड़ी थोड़ी कुट्टी खाई थी, एक छबड़ा कुट्टी तीनों डंगरों ने नहीं खाई। कुट्टी खाते ही जो है? हाँ। अच्छा, कहाँ से लाए थे कुट्टी? भाग वाले से, मशीन पे से। हाँ, राजेंद्र की। अच्छा, तो इसके लिए जो आपने इसकी शिकायत करी गई जांच वाँच के लिए डॉक्टर की? डॉक्टर साहब से शिकायत करी, जो हमारे सगे डॉक्टर भाग वाले के, वे गौशाला में बैठे हुए हैं, कोंडिंग चल रही है, आने वाले हैं। चमोली के गोपेश्वर में इन दिनों वन विभाग रेंज में वन जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं के बीच पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को लेकर गोष्ठी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पढ़ाई की सामग्री भी वितरित की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य क्षेत्राधिकारी आरती मिठान ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के तहत जगह जगह वन्य जीव संरक्षण को लेकर गोष्ठी भी की जा रही है और वृद्ध वृक्षारोहण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, ताकि पर्यावरण और प्रकृति के बीच लोगों को सुनहरा वातावरण मिल सके। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस दौरान हम लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे इस बार हमने शून मट झड़ेता और बण द्वारा गाँव में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को वन्य जीवों का संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और उनकी वजह से, अगर वन्य जीवों की वजह से लोगों को जो कुछ परेशानी भी हो रही है तो उसको किस तरह से उसका समाधान किया जाए, इस दिशा में हमने विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा छात्र जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके मध्य वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए और उनके मध्य उनको एक संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए हम लोगों ने विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मासों में हमने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज लखीमपुर जा रहे थे। इसी दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें यूपी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुड़ियाल भी मौजूद थे। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल की तस्वीरें जहाँ पर
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर ही उन्हें रोक लिया गया। ऐसे में गुस्साए हरीश रावत वहीं पर धरने पर बैठे हुए नजर आए। हमारा संघर्ष, हमारा ये मार्च उन शहीद किसानों को समर्पित है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर में सत्ता के अहंकार के रूपी गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं, जिनको मार डाला गया है और मारने वाले अभी भी खुले घूम रहे हैं, और मारने के पीछे जो उकसाने वाले हैं वो अब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विराजमान है। तो हमारा संघर्ष सीधे सीधे इस तामसी प्रवृत्ति के खिलाफ है, हमारा संघर्ष किसानों के लिए है, हमारा संघर्ष लोकतंत्र बचाने के लिए है, हमारा संघर्ष उन जनवादी ताकतों के लिए है जो ताकतें स्थान स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा उनके साथ रही है, ऐसी ताकतों के साथ रही है। प्रियंका जी ने दूसरे दिन ही तड़के पहुंच करके 12 घंटे के अंदर लखीमपुर खीरी पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने की कोशिश की। अलोकतांत्रिक सरकार के ऐसे ही कृत्य हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके बड़े नेताओं के संरक्षक, इनके बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने हमारे गरीब जनता को, यहाँ के किसानों को, इस भारत के अन्नदाता को जिस प्रकार से अपनी महंगी गाड़ियों के टायरों से रौंदा है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उन किसान भाइयों के, उन प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की सह पर ये जो कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये किसानों की लड़ाई को बुलंद रखेगी, और हम अंतिम समय तक, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, जब तक कि इन हमारे जो प्रभावित हमारे भाई हैं जिनके परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से रौंदा गया, जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, उनके हत्यारों को जब तक कानून के तहत कठोर से कठोर दंड नहीं मिल जाता, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चमोली में पिछले 6 सालों से पिंडर घाटी में देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान पौराणिक महामृत्युंजय महादेव मंदिर का नव निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका पहला चरण कल पूरा हुआ। बता दें कि 33 गांवों की ग्राम कमेटियां इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती हैं। इस मंदिर को 9वीं सदी में कन्नौज के राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, जो 16वीं और 17वीं सदी में गोरखाओं के आक्रमण से ध्वस्त हो गया था, जिसे पुनः यहां के लोगों ने निर्मित किया। बता दें कि इस मंदिर का उल्लेख हिमालयन गजेटियर में भी मिलता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण साल 2015 से किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान से ललितपुर ग्रे नाम के पत्थर भी मंगवाए गए हैं, और महाराष्ट्र के नामचीन कारीगरों के द्वारा इसे केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। वहीं शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिर के गुंबद का प्रथम चरण पूरा होने पर मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चारण हवन के साथ 45 फीट ऊंचे गुंबद को बंद कर दिया गया। बताते चलें कि मंदिर के गुंबद को अभी और 6 फीट ऊंचा बनाना है, जिसके बाद गुंबद पर कलश स्थापित किया जाएगा। ये मंदिर पिंडर घाटी का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान मृत्युंजय का मंदिर है, ये देवधुरा में है, नारायणगढ़ विकासखंड के देवधुरा पर्वत पर है, और यहाँ पर एक परंपरागत मंदिर था बहुत छोटा, जिसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि ये गोरखाली के टाइम पे इस मंदिर को भग्न कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने उस मंदिर को एक छोटा सा रूप दिया था। इस मंदिर के जो भव्यता के भग्न पत्थर हैं वो यहाँ नीचे मिलते हैं, तो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का ये मंदिर है। 2013 में आपदा के आने के बाद जब पूरे क्षेत्र में जनहानि से बचे, तो अपने इष्ट देव की ओर हम सब सारे लोग इकट्ठे हुए, और 2015 से हमारा अभियान चल रहा है कि भगवान मृत्युंजय का एक भव्य मंदिर बने यहाँ, और इस भव्य मंदिर में देश विदेश से लोग आएँ, पर्यटन को बढ़ावा मिले। आज 2015 के बाद मंदिर का सभा मंडप तैयार है, और मंदिर का जो गुंबद है वो आज बंद कर दिया गया है, उसके 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, तीसरा स्टेप अभी और बड़ा होना है, उसमें ऊपर कलश स्थापित होना है, इसके बाद इसमें राजस्थान से आए हुए ये ललितपुर ग्रे नाम के जो पत्थर हैं ये जड़े जाएंगे। आज यहाँ पर मृत्युंजय महादेव का
गुम्बद का काम पूरे हो रहा है, इसमें सभी लोगों को हमने बुलाया है, 33 गांव का, सभी लोगों की बड़ी भागीदारी है, सभी लोग दानदाताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं मैं, और सभी लोगों का विशेषकर मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता जो कि दिन रात करके यहां पे लगे हैं, और ये गुम्बद का काम पूरा हो रहा है आज। इसके आगे भी हमारा कार्यक्रम है कि माह के महीने हम यहाँ पे कलश चढ़ाएंगे, कलश के लिए हमारे दानदाती पहुँच गया है, कलश चढ़ाएगा यहाँ पर चांदी का, हमारे बुटला जी प्रथम भाई द्वारा यहाँ पर कलश चढ़ाया जाएगा, और बाकी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है देख रहे हैं आप सारा, लगभग सभी लोग नहीं तन मन धन सभी लोगों का एक बड़ा योगदान है, पूरे क्षेत्र का व्यक्तिगत किसी का नहीं, सभी लोग लगे अपने रूप में जिसको जिस रूप में। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।